भारतीय टीम बल्ले से तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे, लेकिन फिर गेंदबाजी के दौरान भारतीय टीम ने ऐसी वापसी की जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐसा खतरनाक झटका दे दिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी डरी हुई है। भारत के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिए हैं। किसने क्या कहा उसका वीडियो हम आपको बताते हैं। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी मानते हो कि भारत इस सीरीज को जीतेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला गया, जहां कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां ये फैसला भारत के लिए शुरू में काफी ज्यादा खराब रहा, क्योंकि जिसका डर सभी को था वही हुआ। भारत के बल्लेबाज एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रहे थे। टॉप ऑर्डर में जायसवाल और देवदत्त पाडिकल तो अपना खाता तक खोल नहीं पाए थे। वही विराट कोहली भी सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। केएल राहुल एक छोर संभाले खड़े थे, जहां वो ऋषभ पंत के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर गलत फैसले के चलते केएल राहुल को भी 26 के स्कोर पर आउट दिया गया। युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरेल सिर्फ 11 रन ही बना सके थे। सिर्फ 79 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में थी। ऋषभ पंत स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्हें वॉशिंगटन सुंदर का भी साथ नहीं मिला। लेकिन इसके बाद पंत का साथ डेब्यू कर रहे नीतीश रेड्डी ने दिया, और दोनों के बीच लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन फिर 121 के स्कोर पर पंत 37 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद निचले क्रम में भी कोई ज्यादा योगदान नहीं दे सका, और नीतीश रेड्डी के 41 रनों की पारी की वजह से भारत 150 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इसके बाद जब भारत गेंदबाजी करने आई तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बैटिंग ही नहीं आती। जसप्रीत बुमराह ने तो धागा खोल दिया था, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया था। बुमराह ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बिखर दिया। ख्वाजा, नेथन मैक्सवीनी, स्टीव स्मिथ तीनों को सस्ते में चलता कर दिया था। सिर्फ 19 रन पर भारत ने 3 विकेट झटक दिए थे। इसके चलते हर्षित राणा और सिराज को भी कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने भी एक एक विकेट झटके। पहले राणा ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया, तो उसके बाद सिराज ने मिचेल मार्श को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 38 रन पर अपने आधी टीम गंवा चुकी थी। वही भारत के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिए हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि ये भारतीय टीम किस गुस्से में खेल रहे हैं। पहले जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा कि ये लोग इस टेस्ट को एक तरफा अंदाज में हारने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो गेंदबाजी करने आई, उन्होंने तो मैच के रुख को ही पलट दिया। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ किया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये सोचा ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को उन्हीं के मैदान में आउट करना काफी मुश्किल होता है, और भारतीय गेंदबाजों ने ये कर दिखाया है, खासकर जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह ने जिस अंदाज से अपना स्पेल की शुरुआत की है, उसी ने मैच में रोमांच लाया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि शाहीन अफरीदी से काफी बेहतर बुमराह है, वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वही इरफान पठान ने बात करते हुए कहा कि कप्तान बुमराह आज एक लीडर की तरह खेल रहे हैं। ऐसी घातक गेंदबाजी मैंने अरसों बाद देखी है। देखकर अच्छा लगता है कि एक गेंदबाज कप्तान बना है और वो अपनी टीम को अपने गेंद से आगे चला रहे हैं। भले ही उन्हें विराट कोहली की मदद मिल रही थी, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह और बाकी सभी भारतीय गेंदबाजों ने कमाल ही कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनके ही घर में भारतीय गेंदबाजों ने उनकी औकात दिखा दी। बस यही उम्मीद है कि भारत इसी अंदाज में प्रदर्शन करे और इस सीरीज को जीतकर सबके मुंह में एक तमाचा मारे। वही रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को अचानक क्या हो गया, गेंदबाजों ने इतनी बेहतर क्रिकेट खेली और पूरी भारतीय टीम को सिर्फ 150 के स्कोर पर ऑल आउट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं कि मानो उन्हें बल्लेबाजी ही नहीं आती। मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टेस्ट को सिर्फ 3 दिन में जीतकर भारत को एक बड़ी हार सौंपेंगे, लेकिन अब जिस मोड़ पर मैच है, मुझे लगता है भारत इस मैच को जीत सकती है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐसे होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत को पहला टेस्ट हराना ही होगा, क्योंकि अगर ये पहला टेस्ट जीत गए तो उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा और वो इस सीरीज को भी जीत जाएंगे। वही माइकल वॉन ने बात करते हुए कहा कि
जसप्रीत बुमराह, सिराज और बाकी भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनकी नानी याद दिला दी। आज भारतीय टीम ने कमाल ही कर दिया। इस प्रदर्शन में जितना बुमराह और बाकी भारतीय गेंदबाजों का हाथ है, उतना ही विराट का भी हाथ है। विराट भले ही इस समय कप्तान नहीं है, लेकिन हमने पूरे मैच में देखा कि किस तरह से वो नए कप्तान बने बुमराह की मदद कर रहे थे, चाहे फील्ड सेटिंग की हो या फिर गेंदबाजी में चेंजेस करने की। हम जानते ही हैं कि टेस्ट में विराट से बेहतर कप्तान कोई नहीं था। लो स्कोर्स को डिफेंड करना वो बेहतर जानते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाते हैं तो भारत इस मैच को जीत सकती है। अब आगे ये सीरीज देखने में और मजा आएगा। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं।